सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए। इसमें बच्चों हम अध्ययन कर रहे थे आपके तृतीय अध्याय, आपके तीसरे अध्याय मात्राएं का। और अब हम इसमें दिए गए अभ्यास में जो प्रश्न हैं उन्हें अपनी पुस्तक में करने का प्रयास कर रहे थे। तो चलिए आप भी आज खोल लीजिए पेज नंबर 16, पेज नंबर 16। और यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले नंबर 2 दिया गया है, इससे पहले हम कर चुके हैं नंबर 1, और आज हम करेंगे यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न दिया गया है उसे करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप भी अपनी पुस्तक में, यहाँ पे लिखा है चित्र देखकर सही वर्ण पर मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे शब्द भी हैं, वर्ण, और हमने उस पर क्या लगानी है, मात्रा लगाकर उसे शब्द को पूरा करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले किसका चित्र दिखाई दे रहा है आपको, फूल का ना। अब फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फल, फल। तो ये सही शब्द है या नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे फूल का चित्र है तो यहाँ पे शब्द भी फूल आएगा ना। तो हम लगाएंगे फौ, और फौ पे बड़े उ की मात्रा फू। अब फिर ये बन जाएगा आपका शब्द फूल, इस तरह से लगा दीजिए फूल, फूल, लो फूल। फिर देख लीजिए इस तरह लगाएंगे आप, फिर है कोट, है ना यहाँ पे कोट। तो यहाँ पे लगाएंगे आप को, कॉपे, ओ की मात्रा, इस तरह से लगती है ओ की मात्रा। तो ये बनेगा सही शब्द कोट। फिर तीसरा चित्र देखिए, यहाँ पे है मकड़ी, है ना, यहाँ पे मकड़ी का चित्र है, मकड़ी। फिर देख लो आप, यहाँ पे लिखा है मौ का ड़, तो यहाँ पे ड़ पे कौन सी मात्रा आएगी, यहाँ पे आएगी ड़ पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये बनेगा शब्द मकड़ी। फिर है फोर्थ नंबर में देखो आप, यहाँ पे है चित्र दिया गया खिलौने, खिलौने है ना, देखो गाड़ी है, रोबोट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे शब्द ख, ख पे छोटी ई की मात्रा खी, लौ पे औ की मात्रा इस तरह से खी लौ, और फिर नौ पे आ की मात्रा खिलौना। तो ये आपका सही शब्द बनेगा खी लौ ना, खिलौना। यहाँ पे औ की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा लगाएंगे तो खी लो, औ की मात्रा लगाएंगे खी लौना, इसलिए सही शब्द होगा खिलौना। फिर है देखो चिड़िया है ना, तो यहाँ पे आएगा चौ, चौ पे छोटी ई की मात्रा ची, फिर ड़ो, ड़ो पे भी छोटी ई की मात्रा आएगी ली, यो, यो पे आ की मात्रा, तो ये शब्द बनेगा आपका चिड़िया। यहाँ पे लिखते हैं ची ली या, आप ही लिखिए अपनी पुस्तक में। फिर देख लीजिए ये क्या है, वृक्ष, पेड़ है ना, और पेड़ को वृक्ष कहते हैं, तो यहाँ पर वो पर री की मात्रा आएगी इस तरह से, ये वो पर री की मात्रा, तो ये बनेगा आपका शब्द वृक्ष। तो इस तरह से आप भी इन सब वर्णों पर सही मात्रा लगाकर शब्द का पूरा कीजिए। फिर देख लीजिए इसमें तीसरा है, उदाहरण के अनुसार नीचे दी गई मात्राओं के दो दो शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको मात्राएं दी गई हैं, आपको मात्राओं से दो दो शब्द बनाने हैं। तो जैसे सबसे पहले आ की मात्रा, तो आ की मात्रा से बना शब्द जा, लो जाल, जा ला, जाला भी हो सकता है, माला भी हो सकता है, इसमें दोनों वर्णों पे आ की मात्रा आ जाएगी। फिर देखो रा, रो, रो पे आ की मात्रा रा, तो रात। ये है आ की मात्रा वाले शब्द। फिर है छोटी ई,
छोटी ई की मात्रा वाला शब्द ख, ख पे छोटी ई की मात्रा खी, ल पे आ की मात्रा खिला। फिर द, द पे छोटी ई की मात्रा न, दिन। आप अपने अनुसार अलग शब्द भी बना सकते हैं, यदि आपको मात्राओं का ज्ञान है तो आप अलग शब्द भी बना सकते हैं। फिर है देखो बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा वाला शब्द हम लिख लेंगे फूल और धूप। फ, फ पे ऊ की मात्रा ल, फूल। ध, ध पे ऊ की मात्रा धूप, धूप। तो यहाँ पे है अब ऐ की मात्रा, तो ये है शब्द मौ, मौ पे ऐ की मात्रा तो बनेगा शब्द मै, ल, मैल। फिर पौ, पौ पे ऐ की मात्रा पै, र, पैर। फिर इसमें लास्ट में है ओ की मात्रा, ऐसे बना शब्द है मौ, मौ पे ओ की मात्रा मोर। चौ, चौ पे ओ की मात्रा चोर। आप लिख सकते हैं सौ, सौ पे ओ की मात्रा शोर। इस तरह से इन मात्राओं से आप स्वयं भी शब्द बना सकते हैं। तो आज बच्चों हम पेज नंबर 16 में दूसरा और तीसरे जो कार्य दिए गए हैं उन्हें करने का प्रयास करेंगे आप अपनी पुस्तक में। तो चलिए आज ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।